नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। आपने कभी भूल भुलैया का खेल खेला है? इस खेल का सबसे बड़ा सबक ये है कि जब कोई सीधी राह नजर ना आए तो भी रुको नहीं, पीछे भी मत मुड़ो, बल्कि कोई ना कोई राह जरूर पकड़ो, ना जाने कब सही राह मिल जाए। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला है जिन्होंने उम्मीद का दामन थाम कर जिंदगी में अपनी राहें खुद बनाई। बचपन में पिता का साया सर से उठ गया, बड़े होकर कॉलेज से पढ़ाई छूट गई, उसके बाद लोन लेकर काम शुरू किया तो बाद में वो भी खत्म हो गया। लेकिन आपने साबित कर दिया कि मन के हारे हार है मन के जीते जी, और आपने लद्दाख में शुरू की अलची किचन और दुनिया भर को लद्दाख के खान पान से रूबरू कराने की जिम्मेदारी उठा ली। देश भर तक आप अपने प्रयास के जरिए सफलता हासिल कर चुकी हैं, और यही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से भी आप सम्मानित हैं। हमारी आज की तेजस्विनी है निलजा वांगमो। देश के पूर्वी प्रदेश लद्दाख की खूबसूरती से हम सब वाकिफ हैं। लेह से 66 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के तट पर स्थित अपने मठों के लिए प्रसिद्ध खूबसूरत शांत अलची में चलती है अलची किचन। इस पहाड़ी क्षेत्र में अकेला ऐसा स्थान जहां आपको मिलता है लद्दाख का पारंपरिक खान पान, जिसे चलाती हैं निलजा वांगमो। बचपन में पिता को खोने से लेकर कॉलेज में पढ़ाई बीच में ही छोड़ना, लेह से अलची आकर नई जिंदगी शुरू करने से लेकर अनेक असफलताओं का सामना करने तक निलजा वांगमो ने संघर्षों से हार नहीं मानी। लोन लेकर कैंपिंग बिजनेस शुरू किया जो बाढ़ की भेंट चढ़ गया, फिर से लोन लिया और शुरू की अलची किचन। ठान लिया कि लद्दाखी खान पान से सबका परिचय करवाएंगी। अपनी मेहनत से आपने कुछ ही सालों में लद्दाखी खान पान को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया। इस प्रयास से लद्दाख के दिव्यांगजन को भी जोड़ा और महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी कायम की। अलची किचन को स्थानीय महिलाएं ही चलाती हैं, जो सीख रही हैं आत्मनिर्भरता का पाठ। सिंधु नदी के तट पर स्थित खूबसूरत अलची को अपने हुनर से खान पान के लिए पहचान दिलाती, पारंपरिक लद्दाखी आहार को विश्व के सामने प्रोत्साहित करती, अपनी संघर्ष भरी जिंदगी से सबको प्रेरित करती, राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित निलजा वांगमो है हमारी आज की तेजस्विनी। तो चलिए करते हैं मुलाकात निलजा वांगमो से। जूले निलजा। जूले मैम। खमजंगी नाले। खमजंगी नाले। एंड यू? खमजंगी। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। दर्शकों को बता दें कि हमने लद्दाखी भाषा में अभी स्वागत किया है निलजा वांगमो का, और साथ ही पूछा है कि आप कैसी हैं। निलजा, शुरुआत करना चाहूं अगर इस खास मुलाकात का, तो सबसे पहले आपसे ही पूछूंगी कि आपको शेफ कहूं या एंटरप्रेन्योर कहूं, क्योंकि दोनों ही हैं आप। जी, एंटरप्रेन्योर अच्छा रहेगा। जी, पहचान आपकी, जी पहचान आपकी दोनों से ही बनती है। अच्छा निलजा, अगर आपके अलची किचन की बात करना चाहें तो आप अपनी अलची किचन के जरिए लोगों को लद्दाखी खान पान से रूबरू कराती हैं। ये बताइए हमें कि आपकी इस किचन में क्या खास बनता है, क्या खासियत है आपकी इस अलची किचन की? ऐसे खास तो इतना खास मैं क्या कहूँ। अभी पूरा लद्दाख का क्विजीन जो है वो आउटसाइडर्स के लिए बहुत खास है, तो ये अब नया नहीं कह सकती हूँ, मगर एज इन रेस्टोरेंट में ये जो है अभी नया है, टूरिस्ट के लिए नया था, इसलिए सबको ये खास लगा है, तो मेरा मानना यही होगा। हाँ, लेकिन पारंपरिक लद्दाखी खाने के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, तो कुछ बताएंगे हमें कि क्या खास होता है लद्दाखी खाने में, क्योंकि हर प्रांत के भोजन की अपनी विशेषता होती है, लद्दाखी खान पान की क्या विशेषता है? लद्दाखी खान पान मेनली सत्तू होता है, लाइक जौ एंड आटा तो होता ही है, सो मेनली इट्स वेरी हेल्दी बट क्या बोलेंगे, पौष्टिकता से भरा हुआ एंड माउंटेनियस हर्ब्स एंड उससे भरा हुआ
निलजा, अमूमन हम देखते हैं कि लोग उपलब्धियों पर तो गौर करते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो जद्दोजहद होती है, संघर्ष होता है, परिश्रम होता है, उसके बारे में लोग नहीं जानते। अलची किचन के पीछे का संघर्ष कैसा था? जी, अलची किचन से पहले मैं और भी कुछ काम करती थी मैम। तो पहले तो मैंने टूरिस्ट गाइड का काम किया, तो लोगों को लद्दाखी कल्चर से मैं रूबरू करवाती थी। एंड उसके बाद मैंने कैंपिंग स्टार्ट किया था, टूरिस्ट कैंप करके, वो भी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, विच इज लाइक अलची से लगभग 90 किलोमीटर फार है। एंड वहाँ पे मैंने कैंप स्टार्ट किया, दैट वाज इन 2008-09। देन अगेन इन 2010 देयर वाज अ फ्लैश फ्लड, तो आधा हिस्सा बह गया, तो वहाँ पे बहुत संघर्ष मुझे उठाना पड़ा। एंड लेकिन आपकी कैंपिंग की बात को अगर जानना चाहें, कितने टेंट थे आपके पास? क्योंकि मुझे मालूम है कि जो लोग लद्दाख जाते हैं वो लोग इन टेंट्स में रहना पसंद करते हैं, कैंपिंग साइट्स में रहना पसंद करते हैं, तो उस समय क्या प्रतिक्रिया थी टूरिस्ट की? क्या आपका कैंपिंग साइट भरी रहती थी? कैसा था अनुभव? जी, बहुत अनुभव अच्छा था, क्योंकि दैट इन दैट एरिया वो कैंपिंग साइट जो था वो पहले बार मैंने स्टार्ट किया था। एंड दैट वाज आल्सो इन दैट रिमोट एरिया, इट वाज बिटवीन कारगिल एंड ले डिस्ट्रिक्ट। क्या जगह थी ये? मुलबेक करके जगह है जी, वहां पे मैंने स्टार्ट किया। इट वाज अ फर्स्ट कैंपिंग साइट इन दैट एरिया, तो वहां पे कुछ हो नहीं, आई मीन टूरिस्ट जगह नहीं था, आई मीन स्टे हॉल्ट करने के लिए। It's a beautiful place with the lush green, this thing, and very nice people, and culture is very different and all. So, वहाँ पे मैंने start किया था, then people used to like it. तो ऐसे करते करते दो साल मैंने वहाँ पे camp चलाया, then due to the flash flood, I had to come back, क्योंकि it was like 15 to 20 tents I was running, and जी. खत्म हो गया था, देन आई हैड टू कम बैक। तो अलची में मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया था थोड़े दिन के लिए, खेती का काम भी करती थी। जी जी जी, एंड विद माय मॉम, नो दैट आल्सो। सो वो करते करते मुझे तब मैं गाइड भी करती थी एंड दैट आल्सो। सो वहां से फिर टूरिस्ट का ये था कि बहुत लोगों को देखा मैंने कि यहाँ पे खाना, अपना लद्दाखी खाना क्यों नहीं मिलता है, जहाँ भी रेस्टोरेंट में जाए या कहीं भी जाए, गेस्ट हाउसेस में ठहरे, होटल्स में ठहरे, ऑथेंटिक लद्दाखी जो खाना है वो नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, ऐसे करके पूछते थे। सो आई थॉट आई शुड स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, नो। सो अलची किचन का ख्याल मन में आया कि रेस्टोरेंट छोटा सा बनाऊंगी, एंड या सो आई हैव स्टार्टेड लाइक दैट। जी, और यहां से शुरुआत हो गई। आपने अभी कहा था कि जो लद्दाख का पारंपरिक खाना है, भोजन है, खान पान है, वो उसको रिवाइव करने की कोशिश की है आपने। आपने ये कहां से, लद्दाख की जो पुरानी परंपराएं हैं खान पान की, आपने इनको कहां से सीखा? आपकी दादी से, नानी से, मामा से, किससे? जी, ज्यादातर मैंने अपने माँ से सीखा है। सो एंड आई ऑल्सो यूज टू दादी नानियों के पास, जो नेबर्स के पास जाती थी मैं, कैसा होता था पहले का, क्या था सिस्टम खाने का, और वहाँ से मैंने रेसिपीज और इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत नॉलेज मैंने वो किया। सो So, ज्यादातर मैंने माँ से, अपनी माँ से सीखा है जी। अच्छा, आपके अलची किचन में क्या कुछ खास बनता है, कौन कौन सी डिशेस हैं? क्योंकि अमूमन हम लोग मोमोज, जिसको मॉक मॉक कहते हैं आप अपनी भाषा में, इसके बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन और क्या खास डिशेस हैं जो आपकी अलची किचन में पकती हैं? जी, खास है छुतागी, विच इज लाइक पास्ता काइंड ऑफ डिश, आटे से बनता है, वो आटा को रोल करके और सब्जी डाल के या कभी मटन डाल के। देन वी हैव खम्बेल, इट्स अ खमीरी रोटी, फर्मेंटेड ब्रेड, नो, इट्स लोकल ट्रेडिशनल ब्रेड।
वो उस पे चूल्हे पे बनता है एंड थुक्पा है विच इज वेरी डिफरेंट देन टिबेटन थुक्पा विच वी जनरली फाइंड इन अदर रेस्टोरेंट्स. वो ये हमारा लद्दाखी जो थुक्पा है वो ऑथेंटिक हर्ब्स या चीज डाल के बनता है जी. और भी कई चीजें जी निजा, अगर आपका लद्दाखी खान पान लद्दाख तक ही सीमित रहे तो जाहिर है देशवासियों से बहुत नाइंसाफी होगी, लेकिन आप इस लद्दाखी क्विजीन को लद्दाख से बाहर भी लेकर गई हैं, दक्षिण भारत तक आपने इसको पहुंचाया है. लोगों की प्रतिक्रिया जब लद्दाख से बाहर इस क्विजीन को सर्व करती हैं, 5 स्टार्स में आप वर्कशॉप्स भी करती हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? बहुत इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस मैम. ऑनेस्टली इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल. मैं यहाँ पे तवज्जो देना चाहूंगी इस अर्जुन नायर जी को, कैप्टन अर्जुन नायर. लकली आई मेट हिम इन ले. So through his contacts, I got a chance to present Ladakhi. That was the first time Ladakhi khana went to other places, other cities. So कहाँ कहाँ लेकर गए आप इस खाने को? That was in 2017. कहाँ कहाँ लेकर गए? किन किन शहरों में? जी जी, पहले हैदराबाद में ITC Kakatiya, then I went to Chennai, Crown Plaza, and Bangalore ITC Gardenia. So yeah. निजा, अब आप एक अलची किचन से शुरुआत की थी, लेकिन अब आपके पास आज 3 अलची किचन है, फ्रेंचाइजी भी खुल रहे हैं, यानी विस्तार हो रहा है अलची किचन का. और जब फ्रेंचाइजी खोले जाते हैं तो वो एक बड़ा कदम होता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज करना होता है, ये देखना होता है कि जो अलची किचन लद्दाख में पक रहा है, अलची में पक रहा है, वही हमें बाकी जगह पर भी खाने को मिले. किस तरह की मेहनत की गई है, कैसे आपने फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत की है? जी, हमारा एथिक एक ये रहा कि हमारा जो जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी मटेरियल अलची किचन के रेसिपीज में जाती है, वो वही स्ट्रिक्टली हम ले में भी फॉलो करते हैं. जहाँ पे हमारा फ्रेंचाइज है वहाँ पे भी हम वही फॉलो करते हैं. सो नथिंग, नो डिफरेंस, एंड टेस्ट विल बी द सेम. जहाँ भी खाएंगे वही टेस्ट मिलेगा आपको. अलची किचन ओरिजिनल ब्रांच पे भी आएंगे तब भी वही टेस्ट मिलेगा आपको. जहाँ भी जाए, अगर कहीं और भी खुल जाए, लद्दाख से बाहर भी खुल जाए, आपको वही टेस्ट मिलेगा. तो यानी दिल्ली मुंबई मेट्रोस में भी अलची किचन का टेस्ट मिल पाएगा हमें आने वाले वक्त में? जी, उम्मीद कर सकते हैं, है ना. अच्छा निर्जा, ये बताइए हमें कि आप मेहनती हैं, बहुत लगन से काम कर रही हैं, देख के भी आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आप ऐसी महिलाओं को भी साथ जोड़ रही हैं जिनको जरूरत है इस वक्त काम की. आपके उस क्षेत्र की महिलाओं को आपने कैसे जोड़ा, और आपकी इस पहल का आपके क्षेत्र की महिलाओं पर, उनकी सोच पर, उनके एटीट्यूड पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा रहा मैम, क्योंकि जितने भी मुझसे लड़कियां जुड़ी अभी तक, उनका ये मानना है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया है. पहले वो कैसे थे और नाउ आफ्टर वर्किंग इन अलची किचन हाउ देयर बिहेवियर, आई हैव सीन मेनी, आई मीन उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, उनका ओवरऑल यहाँ पे पॉलिश होता है. लेकिन आप उनको ट्रेन कैसे करती हैं निजा? फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई ट्रेन देम अंडर माय सुपरविजन इन अलची किचन ओरिजिनल इन अलची. सो उनको एक दो मंथ, कोई इतने स्मार्ट होते हैं विद इन फ्यू डेज दे वो सीख जाते हैं. सो या लाइक दैट. आप लद्दाख फेस्ट का भी आयोजन करती हैं, कैसा रहा है लद्दाख फेस्ट का आयोजन का भी अनुभव साझा करना चाहेंगे आपसे? जी, बहुत अच्छा रहा मैम. ले में तो होता ही होता है लद्दाख फेस्ट एवरी समर, देयर सम फेस्ट. तो विंटर में जैसे ही हमारा सीजन, टूरिस्ट सीजन ऑफ होता है, वी गेट अ चांस टू गो आउटसाइड, वो इनविटेशन मिलता है. हाल ही हम मुंबई गए थे एंड वी आल्सो टुक पार्ट इन दिल्ली फेस्टिवल. So it was a great experience and I took these girls along with me. So they also get a very good opportunity and exposure. निर्जा, आज आप जो कुछ भी हैं, इसके पीछे का संघर्ष केवल अलची का नहीं बल्कि उससे पहले का भी है. आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत छोटी थी आप जब आपके पिता का साया सर से उठ गया.
उसके बाद भी जिंदगी आसान नहीं रही आपकी, वो संघर्ष कैसा था? मेरे मदर जो थी वो मेरे से प्रेग्नेंट थी और मेरे फादर की डेथ हो गई थी. सो आई हैव नेवर सीन माय फादर अलाइव. आई मीन तो तब मेरे माँ को वापस नैनीहाल में ले गई थी. तो आई हैव स्पेंट माय बचपन पूरा मेरे ले नैनीहाल में गुजरा मेरा. तो मेरा स्कूलिंग भी ले में किया मैंने. सो आई हैव डन हाई स्कूल इन ले आल्सो. तो मेरा कॉलेज मेरा जम्मू में था बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई हैड टू कम बैक. आई ड्रॉप कॉलेज व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर. सो जी लेकिन क्यों पढ़ाई क्यों छोड़नी पड़ी? देयर वाज अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड जी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो आई हैड टू क्विट. जी तो वापस आई. सो यहाँ पे मैंने काम ढूंढा. सो काम तो कहाँ से मिलना था. एंड सो आई हैव स्टार्टेड एज अ टूरिस्ट गाइड. जी तो सारी स्ट्रगल में सारी संघर्ष में आपकी माँ आपके साथ खड़ी रही? जी ऑलवेज शी वाज ऑलवेज देयर विद मी. एंड उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा. सो शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू मी नो. सो जी उनका मैं स्ट्रगल उनका मैं पेन कभी नहीं भूल सकती. जब आपको नारी शक्ति सम्मान मिला होगा तो मुझे लगता है आपकी माँ को सबसे ज्यादा गर्व हुआ होगा कि मेरी बेटी ने आज कर दिखाया. जी बहुत खुश थी वो. आपने लोन लेकर काम शुरू किया. आपने कैंपिंग साइट के लिए भी लोन लिया, उसके बाद आपने अलची किचन के लिए भी लोन लिया. कितने हालात बेहतर हुए हैं लद्दाख में अगर पहले सालों की तुलना में करें और हाल फिलहाल की तुलना करें? तो इस तरीके से लोन लेना, काम शुरू करना, एंटरप्रेन्योर बनकर आगे भविष्य बनाना, इसके लिए सहूलतें कितनी बढ़ी हैं या फिर हालात कितने बदले हैं? बहुत बदले हैं मैम. क्योंकि पहले लोन तो मिल जाते थे कहीं से भी बट जो लोन लेने वाले थे उनमें इतना हिम्मत नहीं होता था. आई मीन एंटरप्रेन्योर्स अभी आ रहे हैं, न्यू जनरेशन, दे आर मोर I have seen more responsible than previous generation. They are more gutsy. I mean, बहुत हिम्मत वाले होते हैं. मेरे तरह कईयों ने भी, I mean, बहुत सारे हैं जिन्होंने लोन लेके अपने बलबूते पे किया है. दो even in my family, my relatives and all, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, they are all well off. But मेरे माँ का ये मानना है, वो हमेशा कहते थे कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना. अब जितना हो सके अपने आप अपने बलबूते पे काम करना चाहिए एंड ऑल. सो आई हैव नेवर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया. दो पीपल वर वेरी वेरी काइंड एंड वेरी वेल ऑफ. अभी रिसेंटली हमारा लद्दाख यूटी बना है. सो सिस्टम तो ऑलरेडी चेंज्ड है ही है और बस उनको हिम्मत करने की देरी है. हिम्मत करें और आगे बढ़ें. अलची गांव की खूबसूरती के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास है अलची गांव में? क्योंकि अलची के बारे में हमने सुना है कि वो नदी के किनारे है, प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, बहुत शांत है. आप बताइए कैसा है अलची? वेरी नाइस और यहाँ का मॉनेस्ट्री जो है बहुत फेमस है. वेरी ओल्ड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन लद्दाख. तो अलची किचन इज अगेन द मेन अट्रैक्शन नाउ इट हैज बिकम. सो या अलची इज वेरी नाइस प्लेस, पीसफुल एंड पीपल आर वेरी गुड. अच्छा आप लेह से आपने सारी पढ़ाई की, आपने कॉलेज भी लेह से किया, जिसके बाद आप अलची में आई हैं. अलची किचन को लेकर अब आपके आगे विस्तार के क्या आइडियाज हैं, क्या सोच रही हैं? जी विस्तार में बोले तो अभी बहुत सारे मुझे अप्रोच मिल रहे हैं. कईयों का राजस्थान से मुझे फोन आया, मुंबई से फोन आता है, फ्रेंचाइजी हमें भी चाहिए आप अलची किचन का. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. जी भगवान की दया से भी सब कुछ ठीक रहा. तो जी आप कुछ लड़कियों की पढ़ाई का भी देख रही हैं, आप उनका भी आगे जिम्मेदारी उठा रही हैं? जी भगवान की दया से अभी अलची किचन बहुत अच्छा कर रहा है एंड
इन 2018 मुझे ये चांस मिला कि टू ऑर्फनेज गर्ल्स को मैंने स्पॉन्सर किया एजुकेशन. सो या आई एम रियली ग्लैड दैट आई कुड. मुझे किचन में आप खुद ही नहीं आगे बढ़ रही हैं, आप दिव्यांगजन को भी साथ लेकर चल रही हैं. जी मुझे ये मौका मिला मैम क्योंकि अल्टी किचन आई हैव स्टार्टेड अल्टी किचन इन 2016. बाय द एंड ऑफ 2016 आई गॉट टू नो अबाउट पागेर. देयर इज अ सोसाइटी कॉल्ड पागेर इन ले विच इज द सोसाइटी ऑफ स्पेशली एबल पीपल. सो उनके पास जाने का ऐसे मौका मिला था तो वो उनका हेल्प करने का भी मौका मिला मुझे. सो आई एम हेल्पिंग इन अ वेरी कंट्रीब्यूशन इज वेरी स्मॉल बट स्टिल आई जितना मेरे से हो सके मैं कर रही हूँ कुछ. किस तरीके से आप उनको एक मंच प्रदान कर रही हैं? जी वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं एंड there's a couple of children who makes very good paintings. तो उनका उनको मैंने एक अल्टी किचन में कॉर्नर में शेल्फ दिया है. वट एवर यू कुड सेल यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं. देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई विल कंट्रीब्यूट समथिंग फ्रॉम माई साइड. तो जो वो सेल करते हैं उसके ऊपर मैं अपना 5 या 10% मैं ऐड करके उनको मैं प्रदान करती हूँ जी. यानी ये छोटे छोटे कदम हैं और यही उम्मीद करते हैं कि छोटे कदम एक बड़ी छलांग के रूप में भी भविष्य में सामने आ सकते हैं. निलजा जो जहाँ आप रहती हैं अल्ची या लेह, यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दियों में तो -30 तक टेम्परेचर चला जाता है. तब लाइफ कितनी मुश्किल होती है क्योंकि तब तो पर्यटक भी नहीं आते इस क्षेत्र में. जी हमारा पर्यटक टूरिस्ट सीजन अक्टूबर के एंड से खत्म हो जाता है. तब से लेके ऑलमोस्ट ऑल रेस्टोरेंट्स होटल्स जो है वो सारे बंद हो जाते हैं. देन ऑलमोस्ट लाइक फ्रीज पीपल. इतना काम जितने भी टूरिस्ट से जुड़े होते हैं टूरिज्म से जुड़े होते हैं वो खाली रहते हैं. सो या लाइफ इज टफ. वेरी कोल्ड ऑलमोस्ट फ्रीजिंग. यहाँ तक कि पानी भी जम जाता है. देन वी हैव टू गो लिटिल फर्दर to get this drinking water. Yeah, life is tough in winter, but summer is really contrast. It's very. तो यानी कि अगर हमें आपसे मिलने अल्ची किचन आना हो तो हम किस समय आएं? जी between May to September. जी जी. आपसे बात करते करते हमें भी खाने की महक आनी शुरू हो गई है. लेकिन आपसे मैं छोटे-छोटे कुछ सवाल पूछूंगी निलजा और उनके जवाब आपसे लेते हैं. निलजा आपको खाना बनाने का भी शौक है या सिर्फ खाना खिलाना पसंद है आपको? दोनों बहुत पसंद है. जी मेहमान नवाजी का बहुत शौक है मुझे. जी जो जब भी मेहमान आते हैं. आपको अपने किचन का क्या ऐसा है, कौन सी ऐसी डिश है जो आपको बहुत पसंद है? मटन छुतागी. दैट्स द पास्ता डिश. इट्स रियली ऑथेंटिक एंड तो मटन तो पसंद है ही है. सो यस जी. ओके आप चूंकि दिल्ली के बाहर भी गई हैं, आपने भी और जगहों का खाना खाया होगा. लद्दाखी खाने से हटकर बात करना चाह रही हूँ तो आपको और कौन सा ऐसा खाना है जो दिल्ली के बाहर लद्दाख से बाहर जाने पर आपको पसंद आया? साउथ इंडियन फूड. मुझे ये मौका मिला सब कि जहां भी भी मैं गई हैदराबाद चेन्नई और बैंगलोर मुझे मौका मिला किचन से शेफ से दूसरे उन्होंने इनवाइट भी किया मुझे और उनसे सीखने का मौका मिला. सो आई हैव लर्नड मेनी साउथ इंडियन क्विजींस. चटनी वगैरह सब कुछ मैंने सीखा उधर. जी एंड इन हैदराबाद. जी जी एंड इन हैदराबाद आई गॉट वेरी गुड चांस टू लर्न हैदराबादी बिरयानी. दैट ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी फेमस शेफ. तो यानी आपको अलग अलग जगह के खाना बनाने का भी शौक है तो आप उनको भी तो क्या आप उनको भी या यूं कहूं कि आप अपने लद्दाख की परंपराओं के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रही हैं? जी बहुत. यहाँ पे मैं मैंने बिरयानी का वो किया ट्राई ऑन अ ट्रायल बेसिस आई डिड एंड जितने भी खाने वाले थे बहुत पसंद किया उन्होंने. देन
they said you should include this in your menu. Ji. आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? Don't give up. आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं खाना बनाने और खिलाने के अलावा? फ्री टाइम में मैं गार्डनिंग करती हूँ. अच्छा, आपको शौक है उसका. अगर आपको एलची से बाहर जाने का मौका मिले तो कौन सी ऐसी जगह है जो आपको लगता है वहां मेरे को जरूर जाना है? फ्रांस में. ओके. अच्छा निलजा, आप जब खाना बनाने का या क्विजीन की बात करती हैं तो कौन सा एक ऐसा मसाला है या हर्ब है जो आपको लगता है कि ये मेरे खाने में जरूर होनी चाहिए? ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे हैं, मगर एक चीज के बिना अल्ची किचन का खाना रेसिपी अधूरा है. वो दैट इज लोकल जीरा, दैट इज कोरियोतवी से. या जी, उसको डाले बिना वो महत्वपूर्ण है आपके लिए. आपकी जिंदगी में अगर आज आपको किसी को धन्यवाद देना चाहे तो आप किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ. वो आपके साथ हमेशा खड़ी रही. मिर्जा, आज अब आगे भविष्य की बात करूं अगर तो क्या सपना है आपका भविष्य के लिए? भविष्य के लिए अभी तो बहुत सारे सपने हैं. मेन जो है अल्ची किचन का ब्रांचेस दुनिया के हर कोने में मैं देखना चाहूंगी. और अंत में मिर्जा, जो लद्दाख की महिलाएं हैं जो आपको प्रेरणा स्रोत मान रही हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरा ये मैसेज होगा कि हार नहीं माने, अपना जो भी ड्रीम है वो परस्यू करें. और लोग बहुत आएंगे आपको बोलने वाले, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट यू हैव टू सी द पॉजिटिव थिंग अवे एंड उस पर अमल करें. जी, उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश सभी महिलाएं सुनेंगी और अपने सपनों को जरूर लेकर आगे बढ़ेंगी. बहुत बहुत शुक्रिया निलजा हमारे साथ बात करने के लिए. धन्यवाद ममता जी. थैंक यू सो मच. कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि हमारे सभी दर्शक अपना ढेरों प्यार अपने ईमेल्स के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं. आप यूं ही अपनी ईमेल्स हमें भेजते रहे. हमारा ईमेल आईडी है tejaswini.ddnews@gmail.com. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ. नमस्कार.